किसान और घोड़ा, ना तो कभी बुढ़ा होता, ये ध्यान रखिए, और ना कभी थकता। किस घोड़े को 40 किलोमीटर भगा और एक बार लुटा दे रेत सीमा को 2 मिनट को, और वो ऐसे फुरफुरारी सी मारे है, फिर 40 किलोमीटर भाग जगा। और किसान भी ऐसा ही है, सारे दिन काम करवा और 10 मिनट को तू एक बार उसे हुक्का पी लेन दे। किसान घोड़े है तो सरकार क्या है? गधे, वजन ढोने वाली। गधा भी काम करता है तो वजन होता है, गधा वजन ढोता है। आप कितना देर काम करते हैं? आप 12 घंटा काम करते हैं, प्रधानमंत्री तो 24 घंटा 19 घंटा काम करते हैं, तो राक्षस है भाई। 24 घंटे तो राक्षस ही जाग सकता, इंसान कोई 24 घंटे नहीं जागता। 3 घंटा सोते हैं वो। अभी देखो पलट गया 3 घंटा सोते हैं, 18 और 19 घंटे काम करता तो फिर भी 5-6 घंटे बच जा। हाँ। तो तू तो 3 घंटे बता रहा, ऐसा ही है भाई। जैसा वो गणित जाने ऐसा ये जाने। क्यों? क्योंकि वो भी कहता है कि 70 साल में देश का नाश हो गया। और नीति आयोग के एक सदस्य का बयान आया है कि ये कानून बहुत जरूरी है लागू करने, तभी 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी। तो उस नीति आयोग से पूछ के आओ जो सदस्य महोदय हैं, कि वो फार्मूला बता दे देश के किसान को कि आय किस तरीके से दुगनी करोगे। ये कानून बताते रहे, कानून में कहीं नहीं लिखा कि इससे आय दुगनी होगी। कानून के किसी भी क्लोज में ये नहीं लिखा कि ये कानून लागू हो जाए तो किसान की आय दुगनी होगी, ऐसा उसमें तो कहीं लिखा नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी 4 लोगों की, एक तो चले गए उसमें से, लेकिन 3 ने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो देखिए वो उनका काम है। नहीं, आपसे बातचीत हुई उन सदस्यों? नहीं, किसी की नहीं हुई। हमारी संयुक्त किसान मोर्चा का कोई भी सदस्य उसके सामने नहीं गया। रिपोर्ट क्या सौंपी है? हमें क्या पता क्या सौंपी है, ये सुप्रीम कोर्ट जाने या वे सदस्य जाने जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है। जो रिपोर्ट आई है उस पर विश्वास करेंगे आप? हमें क्या पता तू अपने घर में क्या लिख के दे आवे कोर्ट में जाके। जब कोर्ट में से कागज हमारे पास आएगा, पढ़ेंगे, उस पर हमें क्या कोई जवाब देना है नहीं देना है, ये संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो देख लेंगे। कोर्ट की तो हर बात मानी है ना आपने? क्या? अरे हम तो हर बात मान रहे हैं। इस कोर्ट को सरकार भी मानना है या नहीं मानती? सारे कानून हम ही मानेंगे। अगर संविधान का हमसे पालन कराते हो तो पहले खुद पालन करना सीखो। संविधान की धज्जियां उड़ाओगे और हमें आईना दिखाओगे। अगर इस रिपोर्ट को सरकार मान लेती है, आप मानोगे? नहीं मानेंगे। क्यों मान लें हम? अपमान कर रहे हो। अगर हमें फांसी का फंदा दे, अरे कोर्ट का अपमान क्यों करता मैं? कोर्ट ने हमसे पूछ के वो बनाई है। देख एक बात बता, जब बजट आता है, बजट में ये निर्मला सीतारमण उद्योगपतियों से भी बात करती है, बुला के अपने घर घर ऑफिस जहां भी बैठ के बात करती है, देश के सबसे बात करती है। कृषि प्रधान देश, 70% इसमें किसान है और किसान से कोई बात नहीं करता। तो कृषि एक्सपर्टों से बात होती है ना? अरे कौन सा वो एक्सपर्ट? क्यों? पूरी टीम है, पूरी कौन सा एक्सपर्ट है वो? वो जितने भी एक्सपर्ट तुम बता रहे हो सके उनके पिताजी ने भी कभी हल ना पकड़ के देखा हो। उसे ये पता नहीं है कि 1 बीघे में कितना गन्ने का बीज गिरेगा, कितना सरसों का गिरेगा, कितना गेहूं का गिरेगा। वो बस किताबों में पढ़ के बैठ गए और बस किताबों के कीड़े हुए, प्रैक्टिकल कोई नहीं है। वो प्रैक्टिकल नहीं है कोई भी। आपने पढ़ लिए कानून? है? आपने पढ़? हाँ, जितने मुझे जरूरत है उतने मैंने पढ़ लिए। समझ आए कानून? है? हाँ। अरे सरकार परेशान ही नू है कि किसानों की समझ में इतनी जल्दी क्यों आ गया। सरकार एक कानून लाने की और तैयारी कर रही है, जो दूध की डेयरी होती है ना, दूध पे कि विदेश से अब दूध आया करेगा। और कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यहाँ के जो किसान दूध का व्यापार करते हैं उन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा उस कानून। अरे ये तो सरकार ऐसा भी बिल लेके आ गई कि जिसके 1 पशु से 2 पशु हो जाएंगे, कमर्शियल बिजली का कनेक्शन लेंगे, तो उन एक्सपर्टों को जिन्होंने वो बनाया कानून, एक्सपर्टों ने ही तो बनाया होगा, उन्हें यही तमीज नहीं कि एक गाय लाया भैंस ला, जब वो ब्यावेगी तो वो तो 1 से 2 हो जाएंगे, एक उसका बच्चा हो जाएगा।
तो उसके तो दो होने ही होने हैं पशु। तो सरकार सोच समझ के फैसले नहीं लेती, कोई सोच समझ के। मुझे तो ऐसा लगा इनके एक्सपर्ट भी कोई गधे ही दिखे हैं सारे। समझदार कौन है फिर है? समझदार कौन है? देश का किसान। बात करो किसानों से, अब तो बातचीत भी प्रस्ताव ही नहीं, कोई बात नहीं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को भाग लेन दो, कहाँ कहाँ भागेगी, आना यही दिल्ली में पड़ेगा। अनदेखा कर रही है सरकार कितने दिन, ये तो अंग्रेजों ने भी सोचा था। लेकिन अभी पीसी हुई है, किसान नेता कह रहे हैं कि बहुत समय ज्यादा हो गया, किसान इतने समय नहीं रोक पाएगा, कुछ ना कुछ हमें फैसला लेना पड़ेगा। हाँ, अच्छी बात है, वो जो निर्णय लेंगे सब किसान उसका पालन करेंगे। जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा, हम लोगों का उनके आदेशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो क्या समझा जाए, आंदोलन छोड़ के जा रहे हो या कुछ और रणनीति बना रहे हो? देखिए, तुम आइडिया क्यों लगाते हो पत्रकार महोदय कि छोड़ के जा रहे हो, क्या समझा जब तो नहीं तो तुम्हें एक पहला शब्द बता दिया ना किसानों ने, बिल वापसी तो घर वापसी होगी। वो तो सरकार ने मना कर दिया। अबे सरकार की बात थोड़ी करी हमने, हमने अपना निर्णय सुनाया, ये किसानों ने अपना निर्णय सुनाया। निर्णय तो सरकार सुनाया कि आप थोड़ा क्यों, हम अपना निर्णय खुद जानते हैं करना। सरकार ने कही थी आंदोलन कर ले, आंदोलन हमने अपने निर्णय पे लिया ना, तो हमारा निर्णय हम पे चलेगा। आंदोलन करने का तो सबको अधिकार है। तो हमारा अपना अधिकार है, सरकार आती है जाती है, जो किसान चाहेगा देश का, इसमें वे कानून बनेंगे और वे लागू होंगे। तो सरकार जाने का इंतजार कर लो। सरकार जाएगी, और जो हम तेरे से थोड़ा ही कह रहे हैं कि हम इंतजार नहीं कर रहे, हम तो आराम से बैठे, तू ही कह रहा कि घर जाओगे क्या? 24 तक बैठोगे है? 24। अरे 24 की बात कर रहा, चाहे 44 भी हो जा। 4 महीने में तो खाली होने लगे हैं। कौन सा खाली हो गया? कौन सा? आप 1 महीना पहले देखिए कितने किसान थे यहाँ पर। हाँ, आप देखिए कितना है। अरे 1 महीना फिर बात देखिए। नरेंद्र जी आप भी आ रहे, 4 महीने हो गए, आपको नहीं लग रहा किसान थकने लगे हैं? देख फिर वही बात आवे, आज तो मेरे से ये क्वेश्चन कर दिया, किसान से थकने का सवाल मत करियो कभी भी। जो मशीन है क्या किसान?